अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर तारिक। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंसी डायबिटिक के शुगर की वजह से ना मर्दी क्यों हो जाती है। इसी टॉपिक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि मर्ज क्यों हो जाता है, इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या है जिनका इस्तेमाल करने से आपका ये मर्ज काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि शुगर की वजह से ना मर्दी क्यों होती है। जिसको ऐसा मरीज जिसको शुगर हो उसको अक्सर ना मर्दी का अर्दा लाहक हो जाता है। ऐसे मरीज का दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाता है, उसको भूख की कमी भी हो जाती है, उसका जिगर का मसला है वो भी हो जाता है, और उसको कब्ज भी हो जाती है, और दोस्तों उसको नींद का भी मसला हो जाता है जिसको शुगर हो और उस शुगर की वजह से नामर्दी पाई जाए। दोस्तों होम्योपैथिक में चंद अद्वियात मौजूद हैं अगर ये शुगर की वजह से नामर्दी हो जाए तो उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। सबसे पहली जो दवा है वो है एसिड फास। एसिड फास हम ऐसे पेशेंट को इस्तेमाल कराएंगे जिसको परेशानी लाहक हो, उसको नामर्दी हो चुकी हो, और ऐसे शख्स को शुगर का आर्दा भी लाहक हो चुका हो। तो ऐसे इस सूरत में हम उसको एसिड फास की दवा इस्तेमाल कराएंगे। एसिड फास हम क्यों पावर में लेंगे, मदर टिंचर के अंदर होम्योपैथिक की, और उसको 10 कतरे दिन में 3 टाइम इस्तेमाल कराएंगे तो उसका ये आर्दा जो है बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, वो अपने आप में बेहतरी महसूस करेगा। दूसरी जो दवा है उस दवा का नाम है काली ब्रोमेटम। काली ब्रोमेटम क्या असर करती है दोस्तों, जिसको शुगर की वजह से बिल्कुल नामर्दी हो चुकी हो और वो अपने आप को बिल्कुल कमजोर समझता हो और वो सुरत इंजाल का भी सामना कर चुका हो, तो ऐसी सूरत में हम उसको काली ब्रोमेटम इस्तेमाल कराएंगे जिसकी वजह से उसका ये जो आर्जा है वो भी ठीक हो जाएगा। इसको इस्तेमाल कराने का तरीका ये है और इसकी पोटेंसी का नाम है 30 पोटेंसी में हम लेंगे और उसको दिन में 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल कराने से उसका ये आर्जा जो मैंने आपको अभी बताया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो मरीज इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके। जो मेन दवा है उस दवा का नाम है मोस्कास, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुश्क। ये एक ऐसी दवा है जिसको अगर शुगर हो और उसमें नामर्दी हो और वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है, तो दोस्तों इस सूरत में हम उसको ये दवा इस्तेमाल कराएंगे। इस्तेमाल कराने से उसका ये आर्दा शुगर का जो आर्दा है काफी हद तक ठीक हो जाएगा और उसकी जो शुगर की जो रेंज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जो शुगर की वजह से इम्पोर्टेंसी हो जाती है, इस सूरत में हम उसको ये होम्योपैथी की दवाएं इस्तेमाल कराएंगे तो वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा और वो अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। तो दोस्तों मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा।